आप सोच रहे होंगे कि बनाया जयसिंह ने है जयपुर में, तो इसका नाम नाहरगढ़ कैसे रहा? तो इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। तो ये राजा की रानियों में से एक रानी का महल, यहाँ से रानी नीचे जाता करती थी और उसके साथ में ये हर महल के ऊपर की पूरी गैलरी। और यहाँ से रानी पूरे शहर को देखती थी। देखिए तो नाहरगढ़ फोर्ट, ये व्यू और बढ़िया पकौड़े अगर आपके हाथ में है तो यहाँ बैठ के चाय पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। अरावली पहाड़ियों के बीच और जयपुर के पास नाहरगढ़ का किला राजा जयसिंह ने 1734 में बनवाया था। 1868 में ये किला बनकर तैयार हुआ था। नाहरगढ़ का मतलब होता है बाघों का निवास। इस किले का पहले नाम था सुदर्शनगढ़। इस किले में रानियों के लिए 12 खास कमरे बनवाए गए थे और राजा के लिए शानदार कमरा बनाया था। आज भी ये महल लोगों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। दोस्तों, जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट में हमने अंदर एंट्री लिया और एंट्री करते ही आपको यहाँ पे टिकट काउंटर मिलेगा, जहाँ अगर आप इंडियन नागरिक हैं तो आपको 50 रुपये की टिकट लेनी होगी और अगर आप फॉरनर हैं तो आपको 200-300 रुपये देने होंगे। दोस्तों, जयपुर के राजा और पहाड़ पे हमारे यहाँ देश में माना जाता है कि जल को संरक्षण किया जाना चाहिए और इसी जल संरक्षण की कड़ी में आती हैं ये बावड़ियाँ। ये देखो, 250-300 साल पुराना किला और उसमें उस वक्त ये जल संरक्षण के लिए ये पूरी बावड़ी बनाई है। ये देखिए, इतनी बड़ी खूबसूरत बावड़ी, यहाँ अभी भी वाटर फ्लो है और यहीं से जल संरक्षित करके नीचे जो गांव बसे हुए हैं वहां दूसरे किलों में पहुंचाया जाता है। तो ये हमारा हेरिटेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब देख लो, अलग अलग सीढ़ियाँ और अलग अलग पाइपों के द्वारा पूरा ऊपर से नीचे तक ये पानी यहाँ स्टोर होता है। टाका जो है उस वक्त का टैंक था, तो इस टैंक में पहले पानी जमा होता था और इस टैंक से फिल्टर होके आगे बावड़ी में, इसको बोलते हैं टाका। ये उस वक्त का टाका, यहाँ पानी पहले इकट्ठा होगा, उसमें से गंदगी बाहर निकलेगी और फिर वो बावड़ी में अंदर जाएगा। ये है माधवेंद्र भवन। तो यहाँ राजा माधवेंद्र का भवन। फिल्म रंग दे बसंती तो आपने देखी ही होगी, उसमें आपने देखा होगा जहाँ से आमिर खान ऊपर से कूदता है, तो वो यही इसी किले की बावड़ी थी। नाहरगढ़ फोर्ट में और भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। फिल्म जोधा अकबर की भी यहाँ शूटिंग हुई थी। शुद्ध देसी रोमांस में आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत ने यहाँ पे एक्टिंग की थी। उसके बाद से तो ये किला बहुत ही फेमस हो गया। दोस्तों, वैसे तो राजस्थान में जितने भी किले हैं वो सुंदर चित्रकारी और रोचक इतिहास के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हॉन्टेड प्लेस है जिसे भूतिया भी कहा जाता है। इस किले की नींव महाराजा सवाई जयसिंह ने रखी थी
जिसके बाद राजा राम सिंह और महाराजा माधव सिंह के कार्यकाल में इसका निर्माण किया गया। किले के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ तभी से यहाँ किसी प्रेतात्मा का साया है, जो प्रेतात्मा किले में बनाई गई दीवारों को रातों रात गिरा देती थी। सुबह मजदूर बनाते और रात को दीवार गिर जाती। फिर इसकी जानकारी एक तांत्रिक को दी गई और उन्होंने अपनी विद्या से ये जाना कि ये आत्मा एक वीर योद्धा नहार सिंह की है, जिसका युद्ध में सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहता है। कहते हैं कि इस किले का निर्माण तभी पूरा हुआ जब उस आत्मा के आदेश पे पहले वहाँ मंदिर बनाया गया, उसके बाद किले का नाम भी सुदर्शनगढ़ से बदलकर नहारगढ़ रख दिया गया था। आसपास के लोग तो आज भी कहते हैं कि यहाँ आज भी भूत मौजूद हैं। कहते हैं किले में अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और दरवाजे में लगे कांच टूटकर बिखर जाते हैं और फिर अगले ही पल यहाँ ठंडक महसूस होने लगती है। तो पता नहीं भूत है कि नहीं, पर किला बहुत ही खूबसूरत है। तो ये महल का पहली फ्लोर है और पहली फ्लोर में भी आप देखिए इस तरीके का, मुझे लग रहा है ये एक एक रानी की छत हुआ करती थी। तो दरवाजे, दरवाजों के बाद फिर दरवाजे, इस तरीके से ये पूरा एरिया है। ये वो झरोखे हैं, यहाँ से रानी नीचे जाता करती थी और उसके साथ में ये हर महल के ऊपर की पूरी गैलरी। पूरे महल में खूबसूरत चित्रकारी आपको दिखेगी। नहारगढ़ किले से पूरे शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। अगर आप थोड़ा एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको यहाँ 2 किलोमीटर का अच्छा खासा ट्रैक भी कर सकते हैं। यह किला 700 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज तक कोई आक्रमण नहीं कर पाया। दोस्तों ये जो आप किला देख रहे हैं ये राजा जय सिंह ने बनवाया था। और एक आपको मज़ेदार बात बताऊं कि ये जयपुर का सबसे भूतिया इलाका भी कहा जाता है। इस महल को घोस्ट महल भी कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बनाया जय सिंह ने, है जयपुर में, तो इसका नाम नहारगढ़ कैसे रहा? तो इसके पीछे भी एक मज़ेदार कहानी है। कहानी ये है कि जब ये महल बन रहा था तो उस वक्त यहाँ जितने मजदूर थे वो काम नहीं कर पा रहे थे। वो दीवार बनाते, अगले दिन ढह जाती, फिर कुछ होता, फिर अगले दिन शीशे टूट जाते, तो ये महल बन नहीं पा रहा था। तो उसी वक्त यहाँ पर जब किसी को बुलाया गया, यानी कि किसी पंडित को या तांत्रिक को, तो उन्होंने बताया कि एक योद्धा हुआ करते थे नहार। तो उन योद्धा जो थे उनका मानते थे कि वो मरने के बाद भी लड़ते रहे, तो इसलिए इस पूरे महल का नाम, इस पूरे किले का नाम जो है वो नहारगढ़ रखा गया। देख रहे हो, उसके बाद से इसी पूरे किले का जो परमिशन है, यहाँ आपको मंदिर भी मिलेगा और ये खूबसूरत महल आपको जो दिख रहा है, ये जो नहार योद्धा थे उनकी परमिशन के बाद, यानी कि उनके मरने के बाद जब इस महल को बनने की परमिशन मिली, तब ये पूरा महल बना नहारगढ़। तो भवन से थोड़ा सा ही दूरी पे
आगे आपको 300 मीटर दूर मिलेगा सनसेट पॉइंट, जहाँ अभी हम आपको लेके चलेंगे सनसेट पॉइंट की तरफ। तो जब भी आओ तो कोशिश करना शाम के वक्त आओ ताकि सनसेट देख सको। यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आप नगर नाहरगढ़ आए हैं और ऊपर जो रेस्टोरेंट में आना चाहते हो तो उसकी एंट्री टिकट ही है 100 रुपये की। ये 100 रुपये में या तो आप पानी की एक बोतल ले लो या एक चाय पी लो या एक कॉफ़ी। तो मुझे लगता है कि ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट कुछ है, इसलिए उन्होंने अलग से टिकट लगाई है ऊपर के लिए। रात को 10:30 बजे तक रेस्टोरेंट ओपन है। आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है। दोस्तों नाहरगढ़ फोर्ट, ये व्यू और बढ़िया पकौड़े अगर आपके हाथ में है तो यहाँ बैठ के चाय पकौड़े खाने का मज़ा ही अलग है। वो देखो खूबसूरत व्यू के साथ, अभी आपको ऐसा दिख रहा है, शाम को यहाँ बहुत सी लाइटें आपको दिखेंगी और सिर्फ लाइटें जगमग जगमग करेंगी। चलिए अब आपको बताते हैं नाहरगढ़ किला आपको कब कब आना चाहिए। नाहरगढ़ किला घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बढ़िया होता है, जब यहाँ पे टेम्परेचर जो है कम रहता है। ऐसे में आप आराम से किले की एक एक चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और आने के लिए अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो आपको जयपुर एयरपोर्ट उतरना होगा। एयरपोर्ट से यहाँ की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। और अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप जयपुर, गांधीनगर, दुर्गापुर किसी भी स्टेशन पे उतर सकते हैं और स्टेशन से आपको टैक्सी या रिक्शा मिल जाएगा। और जयपुर की रोड तो बहुत ही अच्छी हैं। बाई रोड अगर आप आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट नाहरगढ़ फोर्ट आ सकते हैं। शाम को 5 बजे के बाद अगर आप आते हैं तो आपकी गाड़ी ऊपर तक पहुँच सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।